सिरोही के रेवदर से अब खबर आपको बता दें, नदी में डूबने से दो बच्चों की यहां पर मौत हुई है। बड़ी खबर सिरोही के रेवदर से, बच्चे जुआद्रा जामठा नदी पर नहाने गए थे और इसी दौरान नदी में गिरने से उनकी मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, गोताखोरों की सहायता से शवों को बाहर निकलवाया। बताया ये जा रहा है दोनों बच्चे ममेरे भाई थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। नदी में डूबने से दो बच्चों की मौत हुई है। पुलिस ने दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अशोक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके से पूरा हादसा पेश आया? जी मनीषा, मैं बताना चाहूंगा, कल देर शाम दोनों ममेरे भाई नदी में नहाने के लिए गए थे, जहाँ पर अवैध खनन के द्वारा नदी में बजरी निकालने से बड़े बड़े खड्डे पड़ गए थे। नहाने के दौरान दोनों भाई डूब गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही रेवदर पुलिस उप अधीक्षक नरेंद्र सिंह देवड़ा, मंडा थानाधिकारी भवरलाल चौधरी, मैं जाप्ता मौके पर पहुंचे। वहीं देर रात तक गोताखोरों की सहायता से नदी में रेस्क्यू किया गया और देर रात दोनों के शवों को बरामद किया गया। और एक बात बताना चाहूंगा कि मंडा थानाधिकारी भवरलाल चौधरी और रेवदर DYSP नरेंद्र सिंह जी देवड़ा भी गोताखोर बने। उन्होंने खुद ने दोनों शवों को निकालने में पूरी मदद की और अभी ताजा अपडेट के अनुसार दोनों शवों को मंडार के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और लोग इकट्ठा हो गए हैं, वो मुआवजे की कुछ मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अवैध खनन के कारण वहां पर बजरी खड्डे पड़ गए, जिससे दोनों बालकों की डूबने से मौत हुई है। बिल्कुल अशोक, ये बताएं इन बच्चों की क्या उम्र थी? मैम, एक की 14 वर्ष है और एक की 13 वर्ष है, दोनों ममेरे भाई आपस में। और अभी मौके पर पुलिस जाब्ता भी मौजूद है और लोगों की यही मांग है कि बजरी अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो दो बच्चों की नदी में डूबने से यहां पर मौत हुई है और दोनों बालक रिश्ते में भाई लगते थे।